ज्योति जी से मिलवाऊंगी और ज्योति जी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी पहले, तो थोड़ी थोड़ी मैं बता देती हूँ, बाकी मेरी से जब ये फर्स्ट टाइम मेरे पास आई आज से लगभग 2 साल पहले, तो इनको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम थी। इन्होंने मेरे से ट्रीटमेंट कितने लिए थे उस टाइम पे? 2 साल 10 सिटी 10 सिटी 10 दिन की थेरेपी के बाद वो प्रॉब्लम दोबारा हुई ना? वो कितने पुरानी दिक्कत थी? वो 5 साल पुराना। डॉक्टर की ट्रीटमेंट से इलाज से कुछ रिलीफ मिला? ज़्यादा ज़्यादा बढ़ रहा था, वो अनबियरेबल हो गया था, इरीटेशन इतनी थी, स्पीचिंग इतनी थी, वाइट डिस्चार्ज के साथ कोई हिसाब ही नहीं था। तो 40 तक के ट्रीटमेंट लिए थे उसके, 40 और कुछ भी आराम नहीं, डे बाई डे बड़ी आराम। और ये हमने बिना किसी मेडिसिन के केवल 10 दिन में थी, 10 हाँ 10 कैटिंग में मैं, और अब 2 साल हो गए उस ट्रीटमेंट। हाँ 2 साल भी थे। तो देखो ऐसा फेवी क्विक का काम करती है ये न्यूरोथेरेपी, जहाँ भी जो भी दिक्कत है ना, जो भी फॉल्ट है उसको परमानेंट क्योर करती है। अब 2 साल हो गए वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं हुई, और जब तक ये अपने खाने पीने का और थोड़ा सा वर्कआउट का रखेंगे ध्यान तो होगी भी नहीं। अब उसके बाद इनको दिक्कत हुई, चिकनगुनिया हो गया था, फीवर, उस फीवर के बाद मसल्स पेन, फुल बॉडी में पेन, और फिर थोड़ा सा जैसे टाइफाइड की तरह 24 घंटे शरीर में एक बुखार टाइप लग रहा था। तो बॉडी एक्ट को लेके आए थे मेरे पास, मैंने इनको 6 दिन की सीटिंग दी है, और 6 दिन में आज ये फिर से मतलब इनका टेस्ट आ गया है, और पूरी बॉडी मतलब एनर्जिक हो गई है, घर का काम कर पा रही है। इनका जीभ का टेस्ट भी बिगड़ गया था कि इनको खाने में स्वाद नहीं आ रहा था, और कोविड की भी रिपोर्ट कराई, सब कुछ कराया, वो सब नॉर्मल था। तो अब 6 दिन की सीटिंग में आप कैसा फील कर रहे हो? 6 दिन की सीटिंग में ऐसा लग रहा है जैसे जो बुखार से पहले था ना, जो 1 साल के बुखार से पहले बॉडी, अब वो वाली हो गई है फिर से, अपना आराम से कर रहा काम हो रहा, एक ही फ्लो और पेट भर के खा रही, कोई दिक्कत ना बोली। और अब इनसे पूछते हैं इनके बेटे को लेके आइए, 10 साल की उम्र है आपके बेटे की? 12 का होएगा। तो उनको हाइपोहाइड्रोसिस था, कोच साहब ने भी और डॉक्टर्स ने इनके फादर को इस तरीके से कन्विंस कर दिया कि भाई आप स्पोर्ट्स मत करवाओ बच्चे से, क्योंकि हाइपोहाइड्रोसिस एक ऐसी बीमारी है जो क्योरेबल नहीं है कहीं भी घूम लो, और जिस बच्चे को ज्यादा पसीना निकलता है वो स्पोर्ट्स नहीं कर सकता। तो इनकी माँ ने इस बात को चैलेंज के रूप में लिया और मेरे से कॉन्टेक्ट किया कि दीदी आपके पास ये इलाज भी है? मैंने कहा बिल्कुल है। तो ये पहले मतलब पूरे परिवार से ऊपर होके आप लेके आए थे अपने बच्चे? हाँ मैं पूरे परिवार से ऊपर होके लेके आई थी, क्योंकि जेनेटिक प्रॉब्लम थी उसको हाइपोहाइड्रोसिस की, उसके पापा को है, फिर मम्मी को भी है, मतलब उसकी दादी को, तो इनको कह रहे थे कि इस चीज का कोई इलाज नहीं है, और हाइपोहाइड्रोसिस वाले पेशेंट कभी भी स्पोर्ट्स में नहीं बन सकते। तो फिर मैंने कहा अगर ठीक करवा दो तो बोले जो तू गई, तो वो ठीक हो गई। वो 6 महीने पहले की बात है, सर्दी से पहले आए थे, अब कितनी गर्मी है, जो नॉर्मल बच्चों को स्वेटिंग होती है वो उसको होती है, नॉर्मल से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं जा रहा, पूरा उसका शरीर खुला हुआ, इवन मन लग रहा है उसका ज्यादा खेलने में, पहले से ज्यादा खेल रहा है, तो हाफते हुए कराता था, अब नॉर्मल जैसे नॉर्मल बंदे होते हैं बिल्कुल वैसे। न्यूरोथेरेपी एक मैजिकल चीज है, और एलोपैथी से शरीर बिगड़ता है, मैंने देख लिया हर जगह लगे खाली है अपने लिए बच्चों के लिए, और न्यूरोथेरेपी मेजिकल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, 100% सेफ है, और बिल्कुल पुरानी से भी पुरानी पत्ती है ये इंडिया की, तो न्यूरोथेरेपी के साथ चलें, एलोपैथी को छोड़ें, स्वस्थ रहें। अब ज्योति जी बताएंगी कि इनके बेटे को हाइपोहाइड्रोसिस के अलावा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी थी, वो हाइपोहाइड्रोसिस उसी रूट कॉज से शुरू हुआ था, वो मैंने इनको बताया कि भाई स्कोलियोसिस है बेटे को, अगर आप अभी टाइम रहते इसको ठीक करा लोगे तो बड़ी बीमारियों से बच जाएगा, क्योंकि बच्चे को जब हम 90 डिग्री के एंगल पे सीधा लेटाते तो बीच में से बैंड था पूरा टिल्ट जैसा हो गया था, तो ये मान गए कि भाई ठीक है आपके पास अगर इसका ट्रीटमेंट है तो लगे हाथों को भी कर दो। तो इन्होंने मेरे पास 15 डेज की फीस जमा कराई, और उसमें से 9 दिन हमने उस बच्चे की स्कोलियोसिस पे काम किया जो बाय बर्थ था, उनकी वीडियो भी हम दिखाएंगे आपको कि कितनी ज्यादा दिक्कत थी, और अब वो बिल्कुल सीधी हो गई स्पाइन, और जैसे स्पाइन सीधी हुई वैसे ही बच्चे को लेफ्ट साइड पेल्विक में मतलब एक झरण झरण जैसे करंट टाइप उसको फील हो रहा था, और पूरा ध्यान खींच रहा था वही करंट उसका, और अब वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया 9 दिन में, और उसकी रीढ़ की हड्डी भी सीधी हो गई। तो इतना मतलब हम भी विश्वास नहीं कर सकते कि गुरु जी के आशीर्वाद से या परमात्मा के आशीर्वाद से जो इतनी जल्दी इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो रही है बिना किसी मेडिसिन के, केवल इन 2 हाथों के द्वारा। तो मैं तो यही कहूंगी परमात्मा ये आशीष बनाए रखना, और लोग ऐसे ही मुस्कुराते हुए जाए अपना स्वास्थ्य लेके यहाँ से, और खुश होके जाए बिल्कुल, ना तो ज्यादा लुटने पिटने की जरूरत, ना कोई टेस्ट कराते, कोई टेस्ट वेस्ट कुछ कराते।
जैसा ट्रीटमेंट, घर जैसा माहौल और पूरी। तो हम तो यही कहेंगे कि ज्यादा टाइम ना लेते हुए इन वीडियो को अपने रिलेटिव के पास भेजा करो। ये बनाई इसीलिए जाती है, पब्लिसिटी के लिए नहीं बनाई जाती, ये इसीलिए बनाई जाती है ताकि जैसे लोगों की प्रॉब्लम आपको समझ आए। और इसको ये कोई नकली काम नहीं है, ये बिल्कुल ओरिजिनल बैठे हैं, कोई रिश्तेदार नहीं है। इस कैमरे को पीछे भी धुआं दो, पीछे पेशेंट बैठे हैं और इनसे भी पूछ लो, ये सभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, इनका ये बताएंगे आंटी की क्या क्या दिक्कत थी, बता दो आंटी जी कहाँ से आए हो आप और क्या क्या दिक्कत थी। चौकड़ी लगा ली आप तो आपने, मेरी चौकड़ी भी लग गया करती, घुटने मोड़ पा रहे थे आप, हाथ पैर का हाथ भी लगवा जाया करता ना, घुटने मुड़ा करते आज चौकड़ी लगा ली। चौकड़ी क्या दिन में लगवा दी थी आपकी, कितने दिन हो गए? तीसरे दिन चौकड़ी लगी। हाँ। पहले दिन तो नीचे भी नहीं बैठ कर ही उठा जाया करता, पहले दिन अपने आप उठी। नीचे बिठाए कितने दिन में नीचे बिठाए थे मैंने, पहले दिन नीचे बिठा के और अपने आप उठा नहीं जाया करता, बैठ जाती तो अपने आप उठी थी पहले दिन। आप जब आए जब आपका विश्वास था इस तरह की आई, जो विश्वास ना था जब पहले दिन हो गया, शुरू वाला दिन हो गया। चलो आंटी, अब तो कोई का दर्द नहीं है शरीर में है? अब मैं 98% ठीक हूँ, 2% मेरे दो चार दिन रह रहे हैं, मैं ठीक हो जाएगी, मेरे को पूरा विश्वास है, सब स्वस्थ होके जाओ से यहाँ से, सब ठीक होके जाओ है, सारी बीमारी निकले। दिखावा तो नहीं करते हम, यहाँ कोई दिखावा नहीं, ओरिजिनल करा है, शुरू वाला इधर पता चल गया था ठीक काम है। आपके कनाडा बेटे का विश्वास बढ़ गया, वो कह रहा था मम्मी कहीं तो रुआ फड़वाया अपने शरीर में, बिल्कुल उसका भी पड़ गया, मैं सही करवा रही हूँ, ठीक हो गया बिल्कुल। तो देखिए न्यूरोथेरेपी के बेटे मतलब इनको ये था कि कहीं ये झोला छाप बैठे हैं जगह जगह पे, कि ऐसा ना हो कि जो मम्मी की दिक्कत है वो तो है ऐसे ही रहे और भी कुछ नहीं ले आए, तो पहले सोच रहे थे कि पहले पूछना हो क्या कुछ करते हैं, तो इन्होंने बताया मेरी बात भी कराई तो उनका विश्वास हो गया और आंटी आपके आगे बैठी है बिल्कुल स्वस्थ होने वाली, 2 दिन और रहते हैं, 2-3 दिन उसमें कर देंगे। सुदेश जी अब तो सीधे हो जाओ कैमरे की तरफ, अपने भी प्रॉब्लम बता दो, क्या क्या दिक्कत लेके आए थे, ऑपरेशन कौन से डॉक्टर ने बोला था कमर का, मेडिकल में क्या बोला, इसका ऑपरेशन होगा, बेंच पे थे जब आप आए मेरे पास, जॉब भी छुट गई थी आपकी, काम भी सफल हो गया था, अब कैसा फील कर रहे हो, जॉब पकड़ ली, अब वो जो पेट में छोड़े बता रहे हो कितने एमएम की है, वो यूट्रस में फाइब्रॉइड है जो 32-33 एमएम की शायद आपकी रिपोर्ट की थी, हां 33 एमएम की, अब उसमें पेट में आराम है, दर्द तो नहीं अपना, देखो मेरे को दिखाना, इनको फाइब्रॉइड है 33 एमएम की या 32 एमएम कुछ ऐसा है, मेरे को अच्छे से माइंड नहीं है, और उस फाइब्रॉइड की वजह से बैक में पेन आ रहा था, पीछे से स्पाइनल कॉर्ड की सारी नसें खींच रखी थी पेट में, तो जैसे जैसे हमने उन फाइब्रॉइड के ऊपर वर्क किया 3 दिन, मेरे ख्याल से दूसरे तीसरे दिन ही आराम आ गया था, अब बैठ बैठ के तो नहीं दिखी होगी, पैदल जाते हो अपनी जॉब पे भी, पहले चल भी नहीं पा रहे थे। तो देखिए ये न्यूरोथेरेपी ऐसे बड़े बड़े ऑपरेशन को भी टाल दिया, तो आप यूँ देखो इससे बड़ा चमत्कार और क्या चाहिए आपको, और ये एक वीडियो नहीं बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है चैनल के ऊपर, वहां जाके फीडबैक ले सकते हो आप, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हमारे सेंटर की विजिट करें और स्वास्थ्य लाभ लें। धन्यवाद।